गुड मॉर्निंग आप सभी को, कैसे हो बच्चों? स्वीटी थैंक यू, मेरे आने से पहले ही आप शेयर करने के लिए बोल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। स्वीटी हमारा प्यारे वाला बच्चा है, याद रख रहा है एकदम कि मैम के आने से पहले ही लाइक और शेयर कर देते हैं। लाइव की संख्या बढ़ रही है, जितने से बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं फटाफट से लाइक करते जाओ और साथ में शेयर भी कर दो। स्वीटी की बात भी मानो और मेरी बात भी मानो, यही आपकी मेरे प्रति सच्चा प्यार और इज्जत होगी है बच्चों, क्योंकि YouTube पे वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर शेयरिंग। आपका ट्रस्ट होगा तो आप शेयर करेंगे आगे, और ट्रस्ट है तभी तो क्लास लगा रहे हो बच्चों, है ना? तो जल्दी जल्दी लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। क्या हाल चाल है कमेंट्स में एक बार बता दो, कैसे बीत रहे हैं आप सबके दिन? क्या मेरी आवाज आपको सही सुनाई दे रही है और मैं स्क्रीन पे सही दिखाई दे रही हूं या नहीं, ये भी बताना बच्चों। रेनू मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताओ बेटा आप कैसे हो? मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है बच्चों? मैं आप सबको दिखाई दे रही हूं या नहीं, जल्दी से बताइए। क्या स्क्रीन क्लियर है, क्या साउंड क्लियर है? 1 2 3 माइक टेस्टिंग, क्योंकि मेरी क्लास में 2-3 दिन से गड़बड़ हो रही है, तो इसीलिए आज मैं चेक कर लेती हूँ इससे पहले कि मुझे बहुत लेटर स्टेज में पता लगे गड़बड़ हो गई थी। जैसे कल की क्लास मेरी म्यूट हो गई थी, आप सबको पता ही होगा, जो भी बच्चे कल भी थे और आज भी हैं, काफी देर तक मैं बोलती रही, साइलेंट मोड में आपको दिख रही थी मैं, तो आज मुझे बताओ बच्चों। मिस पूजा गुड इवनिंग, यस साहिल राठी जी क्या बताऊं, दीक्षा थैंक यू बेटा फॉर टेलिंग मी कि आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल, आई एम गुड रमित रेनू, ओके दैट्स गुड, अगर आप भी अच्छे हैं तो। अतुल अच्छा सुनाई दे रहा है, ठीक है, कर दिया लाइक और शेयर प्रीति खत्री जी, थैंक यू प्रीति, थैंक यू थैंक यू। 110 सेकंड हो गए हैं मुझे आए हुए, लाइक बढ़ रहे हैं, लाइव भी बढ़ रहे हैं, शेयर भी करते जाओ। वैदिकन के नाम से भी आ रहा है शेयर 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 शेयर, तो ये एक बार मुझे बताना बच्चों, ऐसे मैसेज देख के आप करते भी हो क्या? ये यूं ही बिचारी हमारी टीम लगी रहती है शेयर शेयर भेजने में आपको। नमस्ते मीना, हालचाल सबके ठीक ठाक है बच्चों? अगर हम इंग्लिश के टॉपिक की बात करते हैं, आवाज सब ठीक सुनाई दे रही है, आपने मुझे बता दिया है, ठीक से मैं दिखाई दे रही हूं क्योंकि ब्यूटीफुल का कमेंट भी आ गया है, तो मैं ठीक ही दिख रही होंगी मैं मान लेती हूं। बाकी इस तरह के जोक्स बहुत चल रहे हैं आजकल है बच्चों, अभी हम फ्री है तो फोन एंड ऑल ही चलाते रहते हैं, जैसा सा भी टाइम मिलता है, तो इस तरह के जोक्स भी खूब चल रहे हैं। भिखारी बैठा है सड़क किनारे और एक लड़का और लड़की कपल जा रहे हैं बेसिकली है, और फिर वो जो भिखारी है वो कहता है ओ हुस्न की मलिका, इस भिखारी अंधे भिखारी को कुछ दे दे, और वो लड़की बड़ी खुश हो जाती है। एक सेकंड मेरा मार्कर गिर गया। वो लड़की बड़ी खुश हो जाती है कि हाँ मुझे हुस्न की मलिका कह रहा है, इसे तो मैं 100 का नोट देती हूँ। लेकिन फिर जो उसका कपल हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी उसके साइड में होता, कहता है दे दो बेचारे को, वाक्य में ही अंधा है क्योंकि वो उसको हुस्न की मलिका कह रहा है, तो वाक्य में ही अंधा है ना बच्चों। तो अब ये कौन से वाला ब्यूटीफुल है स्वीटी, आप मुझे बता देना एक बार, ठीक है? चलिए बच्चों, हाँ जी सबको क्लियर है, ठीक है। दीक्षा अच्छा लगा जोक। मेरा सीजीएल प्री 138 नंबर है मैडम जी, मेंस के लिए इंग्लिश में प्रॉब्लम क्लोज टेस्ट नहीं बन रहे हैं। साहिल क्लोज टेस्ट में कितना स्कोर करते हो और किस टाइप का? देखो क्लोज टेस्ट के 5-6 टाइप होती हैं, किस टाइप का क्लोज टेस्ट गलत होता है, या तो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे बात करो, या फिर अभी मेरा ध्यान चला जाए तो मैं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि 3 से 4 स्टाइल के क्लोज टेस्ट आते हैं। ये मेरे फोन से मुझे ही मैसेज छोड़ रहे हैं। नहीं मैं चीकू नहीं खाऊंगी, थैंक यू फॉर आस्किंग। फोन देखो बच्चों क्लास के बाहर छोड़ के आने का क्या नुकसान होता है, देख रहे हो आप कमेंट्स में। सच्ची वाला ब्यूटीफुल है दीक्षा, ओके ओके थैंक यू, आपकी नजरों में प्यार है इसलिए मैं खूबसूरत दिख रही हूं। चलिए, कल हमने काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक शुरू कर दिया था प्रीपोजिशंस, और उसके अंदर कल शायद 7 प्रेपोजिशंस में डिस्कस करके गई थी। इंट्रोडक्शन टॉपिक की मैंने कल दे दी है, इंपॉर्टेंस भी मैं कल आपको बता चुकी हूँ टॉपिक की, किस एग्जाम के लिए कितना जरूरी है ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो जिस भी बच्चे की वो क्लास मिस हो गई है, इसी चैनल पे आपको कल 3 बजे के टाइम की मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी रिपीट करूंगी तो आज का टाइम खराब होगा, ठीक है? प्रेपोजिशन के अभी किसी भी तरह के कोई क्लास नोट्स या प्रैक्टिस सेट्स में टेलीग्राम पे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ
टॉपिक जिसके लिए पहले कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। हर पॉइंट का क्वेश्चन अगर मैं देने लगूंगी तो बहुत इजी लगेगा और बहुत आराम से हो जाएगा और ऐसा पेपर में नहीं आता, ठीक है। मिक्सिंग का या फिक्स्ड प्रीपोजिशन या अंडरस्टैंडिंग का मिक्स करके क्वेश्चन आता है। तो एक बार टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद आपको टेलीग्राम लिंक के ऊपर, जो इंग्लिश बाय नेहा मैम के नाम से चैनल है टेलीग्राम का, किसी ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, उसी में आपको पूरे नोट्स प्रीपोजिशन के विद क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे एज आई कंप्लीट द टॉपिक, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, आप में से अगर किसी बच्चे ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि दो दिन की उस पर फ्री लाइव डेमो क्लास हमने चलाई हुई है और डिस्काउंट भी है और कल उसका आखिरी दिन है, ठीक है। उसमें आप एडमिशंस करा लीजिए, बहुत कम फीस में हमने अभी उसको दिया हुआ है। अगले जो डिस्काउंट आएगा वो पिछले से ये ज्यादा है और अगला इससे ज्यादा होगा, तो धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप में से कोई भी थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो उस स्कीम में एडमिशन करा लीजिए। अब शुरू करती हूं मैं अपना टॉपिक, जनरलाइज इन्फॉर्मेशन और आपके हालचाल मैंने पूछ लिए हैं। कमेंट्स में आप सब गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, एक साथ सबको गुड मॉर्निंग। नेहा जी आई एम प्रिटी फाइन, आप बताइए आप कैसे हो। स्वीटी ये आपने कुची कुची वाला एक्सप्रेशन भेजा है, बड़े स्वीट से लग रहे हो आप इसमें, बाकी नाम ही आपका स्वीटी है तो बहुत अच्छी बात है, नाम भी सोच समझ के रखा है पेरेंट्स ने, जो फिल करना होता है साहिल। हाँ मुझे पता है क्लोज साहिल वही होता है जो फिल करना होता है, लेकिन आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। क्लोज की टाइप होती है 4 से 5, इकोनॉमिक पे बेस क्लोज है, स्टोरी बेस क्लोज है, या आपका ये जो लिटरेचर से कनेक्टेड क्लोजेज आ जाते हैं, वाटर सप्लाई और एथिकल इश्यूज से रिलेटेड आ जाते हैं, तो किस तरह का क्लोज आपको समझ नहीं आता मैं ये पूछ रही हूँ, या कोई भी समझ नहीं आता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। अतुल मैम आर्मी क्लर्क का पेपर है 28 जून को, ठीक है अतुल आर्मी क्लर्क का पेपर है 28 जून को, तो आर्मी के लिए हम कर देते हैं बैच प्लान। बाकी आप आर यू श्योर कि 28 को पेपर होगा। वर्ब तो अभी कंप्लीट, मीना वर्ब को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1.5 महीने की क्लास लगती है आपको पता है, और कॉन्टिन्यूसली अगर वही चलाती तो आपके लिए हेक्टिक और बोरिंग हो जाता है, इसलिए बीच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आई हूँ। वर्ब में ही तो टेंस आता है, फिर मॉडल्स, नॉन फाइनाइट्स, वॉइस नरेशन टैग, इस पूरे को ही तो वर्ब कहते हैं, तो ये तो 1.5-2 महीने ले जाएगा, और 1.5-2 महीने अगर हफ्ते की 2-2 क्लास करके मैं कवर करूंगी तो सोचो कितने दिन में वर्ब होता, तो बच्चे को फील नहीं आता कि मैंने कुछ सीखा है, इसलिए मैं बीच में प्रेपोजिशंस लाई हूं, ओके। इसके बाद मैं वर्ब का फिर से कोई सेक्शन पिक कर लूंगी, डोंट वरी, कंप्लीट जरूर कराऊंगी लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट बनाते हुए। मेरा नंबर आपको अभी कमेंट्स में आ जाएगा, मेरा नंबर मांग रहे हैं साहिल जी, कमेंट्स में आ जाएगा, व्हाट्सएप करना, कॉल में नहीं उठा पाती हूँ, ठीक है। हाँ कॉल बैक आ जाएगी किसी और के द्वारा, बाकी आप व्हाट्सएप करिएगा। चलो अब मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आपसे बातें पढ़ा लेती हूँ, रेदर आपसे बातें करती रहूंगी तो कुछ सिखा नहीं पाऊंगी। आ जाओ बोर्ड पे जल्दी से। ओ पिछली क्लास वाले टीचर रब नहीं करके गए हैं बोर्ड को। बाकी रोहतक में भी अभी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, तो हम बहुत ही खतरनाक हालातों में आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज का बिल्कुल हमारे को आप थैंकफुल रहे, और थैंकफुल आप कैसे रहोगे, लाइक और शेयर करके, है ना, अपने कॉन्टेक्ट्स में फेसबुक पे ईमानदारी से किया करो। हालांकि मुझे पता है कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी शायद किसी एक बच्चे पे असर हो जाता हो, इसीलिए मैं रोज एक बार बोल देती हूँ, और जनरली मैंने देखा है कि बोलने के बाद हल्का सा फर्क तो पड़ जाता है, ठीक है बच्चों। लाइव ज्यादा हो गए हैं, लाइक कम है, कौन चीटिंग कर रहा है, लाइक कर दिया करो बच्चों, आते ही कहलवाते हो, कितना कहलवाते हो, गलत बात है ना, आते ही लाइक करो शेयर करो, गुरु दक्षिणा देने में कमी मत दिखाया करो। जैसे मेरे मक्खी और मटका बच्चे आपने फेमस कर दिए हैं, वैसे ही गुरु दक्षिणा को भी तो फेमस करो। डेली क्लास लो मैम पूजा जी। बेटा मैं बहुत बार कह चुकी हूं, अगर मैं रोज खड़ी हो गई ना तो और बहुत सारे टीचर्स को मैं नहीं पढ़वा पाऊंगी, तो वो गलत लगेगा, और इंग्लिश को इतना लगातार झेलना मुश्किल है। महम में भी एक कोरोना केस मिला है मैम, अच्छा पूजा हो, बड़े दुख की बात है। रोहतक में तो 6-7 हो चुके हैं। आप मेरे हालातों पे तरस खाओ थोड़ा सा, फिर भी मैं आ रही हूं और आप देखो शेयर नहीं करते, तारीफ नहीं करते मेरी, तालियां नहीं बजाते हो कमेंट्स में मेरे लिए, कितनी चीटिंग करते हैं आप लोग, है ना। ऑप्शन नहीं मिल रहा करमपाल, किस चीज का बेटा। पहले ही कर देते हैं लाइक। हाँ नहीं हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, जितने लाइव है उतने लाइक हो चुके हैं। आइए अब टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि आपसे बातें करते करते मैं नहीं थकूंगी और मुझसे बातें करते करते आप लोग नहीं थकोगे, बाकी ठीक है, इतनी सी बातें होनी भी चाहिए ताकि इंटरेस्ट बन जाए। मेरा सब्जेक्ट ऐसा है ना बच्चों
खेल खेल में सीखेंगे, हंसते हंसते सीखेंगे तो ही आएगा। सीरियस लोगों का काम इंग्लिश सीखना और पढ़ाना है ही नहीं। ठीक है, आइए प्रेपोजिशंस की बात हमने कल से स्टार्ट की हुई है। 7 के आसपास प्रेपोजिशंस मैं कल डिस्कस करके जा चुकी हूं। कल जो हमारा एक मतलब कंप्लीट फैमिली जो कल मैंने एक डिस्कस की थी वो थी ओन, अपोन, ओन टू, ओवर एंड अबव। कल हमने ये डिस्कस किया था और इसके साथ साथ टू और टूवर्ड्स भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो आज की क्लास में मैं इनके अपोजिट्स को पहले डिस्कस करती हूं। जैसे कि अगर हमें ये सब आते हैं ऊपर के लिए, मतलब ये सारे वर्ड्स दिखाते हैं किसी चीज के ऊपर, किसी चीज से ऊपर, किसी चीज से हल्का सा ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर, ये कल मैं डिटेल में बता चुकी हूं, आप कल की क्लास देखो। आज मैं इनके अपोजिट यानी नीचे वाले शब्दों को पहले बोर्ड पे लिखती हूं। जैसे कि किसी चीज के नीचे, किसी चीज के अंदर, किसी चीज में, इस तरह के। मतलब कल वाला जो क्लास था वो इस डायरेक्शन में था, आज वाला जो क्लास है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, तो इस डायरेक्शन के लिए कितने तरह के शब्द प्रेपोजिशंस में आप यूज करते हो। सबसे पहले इस डायरेक्शन में आपका शब्द आता है इन, इसी से लगभग मिलता जुलता होता है बच्चों इनटू, इसी से टाइप का वर्ड आपका आ जाता है इनसाइट, इसी से डायरेक्शन को दिखाता है अंडर, इसी डायरेक्शन में बात करता है बिलो, और इसी डायरेक्शन में हमारा वर्ड आता है बच्चों बिनिथ या अंडरनिथ। मतलब इसी का थोड़ा मॉडिफाइड सा फॉर्म आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा। तो पहले तो इन्हें डिस्कस करते हैं, ये आपको कितना कैसे सा समझ में आता है, फिर मैं अगली बात करूंगी। ठीक है, देखो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उन्हें मैं ये बताना चाहती हूं, प्रेपोजिशंस के अंदर हमें रूल की बजाय कंसेप्ट को समझना होता है। मतलब प्रेपोजिशन हिंदी बेस नहीं होती बच्चों, ना ही आपको प्रेपोजिशंस के लिए मतलब इसका हिंदी ये है और ये ऐसे रूल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं होगा। आपको हर प्रेपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके मीनिंग को समझना है और फील करना है। और एक बात मैं और बहुत अच्छे से ध्यान से इसको सुन लेना, प्रेपोजिशन कभी भी किसी चीज या वस्तु के लिए नहीं लगाना होता, प्रेपोजिशन हमेशा पोजिशन के लिए लगता है बच्चों। तो जब तक आपको किसी सेंटेंस के अंदर उस चीज की पोजिशन क्लियर ना हो, आप बिल्कुल भी तुक्का मार के प्रेपोजिशन मत लगाइएगा। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूं, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूं मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम दीवार के लिए क्या प्रेपोजिशन आएगी, मैम पेड़ के लिए क्या प्रेपोजिशन आएगी। देखो चीजों के लिए प्रेपोजिशन नहीं आती, प्रेपोजिशन का काम है पोजिशन दिखाने का। आप ये बताइए कि दीवार के लिए नहीं, दीवार के मैं साथ खड़ी हूं तो मैं बताऊं प्रेपोजिशन क्या आएगी, दीवार के मैं ऊपर बैठी हूं तो मैं बताऊं प्रेपोजिशन क्या आएगी, दीवार मेरे ऊपर बैठी है तो मैं बताऊं प्रेपोजिशन क्या आएगी, समझे। तो जब तक पोजिशन क्लियर ना हो आप बिल्कुल भी प्रेपोजिशन लगाने का कष्ट मत उठाइएगा। और बहुत सारी बार हिंदी बेस पे भी बच्चा प्रेपोजिशन लगाता है, वहां भी आपसे गलती पक्का पक्का होगी। तो इसीलिए आज जो मैं पढ़ा रही हूं उसको अंडरस्टैंडिंग बेस सीखने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेते हैं, कुछ पूछ तो नहीं रहे हो। हाँ, इंग्लिश फील करने से आती है, सभी यही बोलते हैं। स्वीटी फील लिखना चाह रहे थे शायद आप, मैं समझ गई हूं। हाँ जी, क्योंकि अंग्रेज बहुत सेंसिटिव हैं, है ना, तो अंग्रेजों की दी हुई भाषा है, जितने सोफिस्टिकेटेड वो हैं उतने से ही हमें होना पड़ेगा, तभी हम जल्दी जल्दी से इंग्लिश सीख पाएंगे। चलिए आ जाओ इसको शुरू करते हैं बच्चों, कुछ खास नहीं पूछ रहे हो आप, आइए देखो। सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इन, और फिर इसी इन के साथ लग गया है टू। आप थोड़ा सा सीखने के साथ समझने की भी कोशिश करो बच्चों, प्रेपोजिशंस को डेवलप कैसे किया गया है। अब इस इन के साथ ही लगा दिया है साइड, है ना, तो बेसिकली इन वाले सेंस में ही ये दोनों या तीनों वर्ड्स आते हैं, हल्के हल्के से वेरिएशंस या चेंज के साथ। अभी वो हल्का सा वेरिएशन या चेंज क्या है, हालांकि बच्चों को सीधा इन देखते ही याद आता है भाई मैं, जहां पे भी मैं होगा ना वहां हम इन लगा देंगे। बच्चों मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। क्या सेंटेंस है, मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। मैं कह रही हूं मुझे आप सब पर भरोसा है, जबकि इसके इंग्लिश में इन लगेगा। अब जिस बच्चे ने इन को रट्टा मारा हुआ है मैं, वो यहां पर इन नहीं लगाएगा, वो ओन लगाएगा, है ना, वो यहां पर लगाएगा
ओन, जबकि ट्रस्ट इन या बिलीव इन समवन या समबडी होता है, उस केस में ओन नहीं लगाना होता। इसलिए मैं कह रही हूं, आप हिंदी बेस पे ना प्रेपोजिशंस करने की कोशिश मत करिएगा, खूब धोखा खाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आओ मे को छोड़ करके अलग तरीके से हम सीखते हैं। इन जो होता है वो जनरली इस तरह की पोजिशन दिखाता है। देखो ड्रॉइंग मेरी ज्यादा सी अच्छी नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए आई एम मेकिंग इट। ओके, अब ध्यान से अगर आप इसको देखें, इस फिगर को, तो मैंने इसको ऊपर से ओपन दिखाया है। तो कोई भी ऐसी पोजीशन जो ऊपर वाले तरफ से खुली है उसमें कुछ दिखाना है तो आपका आंसर होना चाहिए इन। समझे बच्चों? यानी कि मैं कह सकती हूं देयर इज वाटर इन द ग्लास। ग्लास क्या है? ऊपर से ओपन। He was in the well. Well means कुआं। कुआं भी क्या होता है? ऊपर से ओपन। तो कोई भी ऐसी चीज जो ऊपर से खुली हुई पोजिशन में, बकेट बाल्टी में कुछ है, या फिर आप कह सकते हो जग में कुछ है, कटोरी प्लेट कुछ भी, जो भी चीजें ऊपर से ओपन है उसमें किसी चीज की पोजिशन आप दिखाते हो तो हमेशा आपका जवाब होगा इन। ठीक है, क्वाइट इजी। तो स्टेबिलिटी की तरफ इसने इशारा किया है। देखो इनके क्या क्या पॉइंट्स हो गए। किसी भी चीज में स्थिर अवस्था को दिखाता है। ओपन फ्रॉम अपसाइड इसकी मेन पोजीशन है। इनके लिए क्या है बच्चों? ओपन फ्रॉम अपसाइड, ऊपर की तरफ से जो चीज खुली है उसमें कुछ दिखाना है तो दैट विल बी इन। जैसे इस कैप का ही अगर मैं एग्जांपल देती हूं, तो इस कैप में मैंने मार्कर को डाला है फिलहाल। वैसे तो इस तरीके से होता है जनरली, पर मुझे आपको समझाना है तो इसलिए मैंने बोला कि ये कैप का जो पोजीशन है ये लगभग इसकी तरह है जैसा मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करा है। तो इसमें जब मैं डाल रही हूं तो इट इज इन द कैप। समझे बच्चों? तो जहां भी इस तरह की पोजिशन आपको दिखाई दे आप चूज करिएगा इन। अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करनी है, फिर एग्जाम्पल और प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा कुछ सिखा दूं, बिना सीखे इस टॉपिक के क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। और अभी धीरे धीरे से वही बात है, गहराई में हम उतरते चले जाएंगे। ठीक बच्चों, तो दिस वॉज इन। अब अगला चीज हमारा है बोर्ड पे इन टू। मतलब इनका सेंस तो ये है कि यहां पे आप पोजीशन को क्लियर कर रहे हो। जैसे मैंने सपोज हमने इसको बकेट या कुछ भी मान लिया और ये हमने इसके अंदर अपना ड्रॉ कर दिया है, वाटर जूस, लेमन जूस, कुछ भी आप इसको आप मान लीजिए। बाकी कोरोना का समय चल रहा है, गर्म चीजें पियेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, तो इसमें आप चाय कॉफी आप मान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है हमारा पोजिशन इन जो पहले से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब अगली चीज ध्यान से देखना, फिर से यही है हमारा ग्लास ही है। बॉटम भाई अच्छे से बन नहीं रहा है, पर मैं बोल चुकी हूं ड्रॉइंग इज नॉट गुड, सिखाने के लिए कर रही हूं थोड़ा सा बस। तो दिस इज अगेन द सेम पिक्चर, और इस तरफ अगर मैं बात करूं इस पिक्चर के, तो ऐसा सा ही मैं अब की बार इस तरफ भी ड्रॉ कर रही हूं। अब ये हम ग्लास मान लें और इसको हम जग मान लें या कुछ भी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी दिखा रही हूं और ये पानी हमारा आने लग रहा है यहां से। इस पोजीशन को कहते हैं इनटू, और इस तरीके से ये भरता चला जाएगा, ये खाली होता चला जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन बन गया, इतने मिनट में इतना बूंदे गिर रही है तो कितने मिनट में ये पूरा खाली हो जाएगा, वो आप अनिल सर से बात करना या राहुल सर से। फिलहाल मैं आपको क्या सिखा रही हूं, इट इज इनटू। इस पिक्चर या इस पोजिशन को आप कह सकते हो इनटू। हाँ, डेमो वीडियो है उसके अंदर। देख लिया। हाँ, ये फ्रेज है। कौन है ये? सत्यवान जी। सत्यवान जी, आप फ्रेज पूछ रहे हैं। मैंने कल की इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था ना कि दो तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन होता है कंसेप्चुअल या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, और एक होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। तो लीडिंग टुवर्ड्स समथिंग हो सकता है, या फिक्स्ड डेस्टिनेशन दिखा रहे हो तो टू भी आप यहां पे ले सकते हो। ठीक है, ब्रेस्ट फिलर है तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस टू, क्योंकि एग्जाम में जनरली जो एकदम एक्यूरेट ऑप्शन जा रहा होता है वो नहीं मिलता, तो सही आंसर आपके ऑप्शंस पे भी डिपेंड करेगा। जनरली क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अपने इस पॉइंट पे मैं वापस से चलती हूं। तो इनटू की यहां पे मैंने बात की है, इस तरीके से जो पोजीशन होगी दैट विल बी
इनटू, यानी किसी चीज के अंदर मोशन को इनटू दिखाएगा। बच्चों इन क्या दिखा रहा था? पहले से अंदर। इनटू ने क्या दिखाया? बाहर से अंदर की तरफ। देखो आप किसी भी रूम में एंट्री कर रहे हो, इमेजिन करो आप रूम के बाहर खड़े हो। देखो आप सब घर में हैं, जहां पे भी आप बैठे हो उस रूम के दरवाजे को देखो एक बार, और उस दरवाजे में बाहर से अंदर की तरफ आते हुए एक इंसान को आप इमेजिन करिए, दैट इज इनटू। ठीक है, ही इज कमिंग इन टू द रूम। क्या बोलेंगे? ही इज कमिंग इन टू द रूम। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं मॉडिफाई कर रही हूं, बच्चों ध्यान से सुनिए। अगर मैं बोलू ही एंटर्ड तो मैं कहूंगी द रूम। क्या कहा? ही इज कमिंग इन टू द रूम, बाहर से अंदर आने के लिए। लेकिन कम हटाते ही जैसे ही मैंने एंटर वर्ब को प्लेस कर दिया, अब मैं इंटू लगा ही नहीं रही, मैं कह रही हूं ही एंटर्ड द रूम। मैंने इनटू का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि फिजिकल एंट्री के लिए, ध्यान से सुन लेना बच्चों प्लीज, फिजिकल एंट्री के लिए एंटर वर्ब के साथ इनटू की कोई जरूरत नहीं होती है। फिजिकल एंट्री यानी जो ऐसे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस भी ऐसी सिचुएशन में, हमारे स्टूडियो में दरवाजा इस तरफ है, तो वहां से अगर मैं एंटर बोल रही हूं ही एंटर्ड द रूम, ठीक है, मुझे इनटू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटर फिजिकल एंट्री के लिए इनटू का यूज नहीं करता है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट एंट्री के लिए या वर्चुअल एंट्री के लिए, एब्स्ट्रैक्ट या वर्चुअल समझते हो आप लोग, नकली है ना, विच इज नॉट रियल, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल। जैसे कि बिजनेस में एंट्री, ऐसा तो नहीं है बिजनेस एक कमरा है और हम ऐसे ऐसे करके चले 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 और चले 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 और ये बिजनेस में घुस गए, अभी तो हम कैमरे में घुस गए, कैमरे में घुसना भी एब्स्ट्रैक्ट एंट्री है। तो यहां भी एंटर्ड इनटू द कैमरा कह सकती हूं मैं, आई एंटर्ड इनटू द कैमरा, क्योंकि मैं फिजिकली तो उसके अंदर नहीं जा सकती, है ना। तो फिजिकल जब होगा तब एंटर के साथ इनटू मत लगाइएगा, और अगर वर्चुअल है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप एंटर के साथ इनटू लगा सकते हो। जैसे फिलहाल मेरी वर्चुअल एंट्री हुई हुई है आप सबके फोन में, ऐसा तो नहीं है आप अपने फोन को तोड़ के मुझे बाहर निकाल सकते हो, है ना, तो वो फिजिकल एंट्री होती। अभी वर्चुअल एंट्री है तो इट इज ऑल्सो आई एंटर्ड इनटू योर फोन, मैं कह सकती हूँ मैंने आपके फोन में अभी अभी क्या ले रखी है, एंट्री ले रखी है, इट इज माई वर्चुअल एंट्री। ठीक है बच्चों, तो जहां भी इस तरीके की एंट्री दिखाओ इनटू लगा सकते हो, पर एंटर के साथ मत लगाना। एक बार अब मैं फिर से नजर डाल लेती हूँ, कुछ पूछ तो नहीं रहे हो। पापा बाहर जा रहे हैं, इसकी प्रेपोजिशन भी बताऊंगी, अभी तो अंदर आने वाली हम बात कर रहे हैं। स्वीटी बाहर जाएंगे तो इस पे भी बात हम करेंगे। वीडियो क्लियर नहीं दिखती ऐप में, रजत क्लियर तो दिखनी चाहिए, क्या दिक्कत आती है मुझे एक बार बताओ। यहां पे तो फिर भी मैसेज छूट जाएगा, पर्सनली मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बताओ क्या दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे फोन में अभी मैं ऐप को नहीं चला पा रही हूं। मोशन में कुछ ये हाइड हो गए भाई आपके कमेंट्स। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? मोशन में कुछ होता है तब आता है इनटू। हाँ, मोशन में होता है एमजेके, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ, ये बात भी नोट करने की है, बाहर से अंदर की तरफ मोशन में होगा तो ही, अंदर से बाहर क्या होगा ये मैं अभी बताऊंगी, अभी नहीं सिखाया है। बाहर से अंदर इज इनटू, ठीक है। मैं ज्यादा ना देखो प्रेपोजिशन में दाएं बाएं नहीं जाती हूं, जब क्लासरूम में भी इसको मैं टीच करती हूँ तो खूब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं आज बार बार रुक के देख रही हूं कि कहीं आप कुछ पूछ तो नहीं रहे हो, क्योंकि प्रेपोजिशन इज अ काइंड ऑफ टॉपिक कि डिस्कशन होना चाहिए बच्चे और टीचर के बीच में। अब यहां डिस्कशन उस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके फेस को देख सकूं, या पड़ोसी से कुछ पूछ रहे हो तो मैं पकड़ लूं, वो तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए कमेंट्स को मैं देख रही हूं, यहां आप पूछो आई विल रिप्लाई, ठीक है। लेकिन सीखने की कोशिश कर रही है बच्चों, ओके। इतने दोपहर में टीचर्स आ रहे हैं, वो भी कोरोना का खतरा मोल लेके, तो कुछ तो उसकी वर्थ करो, कुछ तो उनकी कदर करो, ठीक है बच्चों। आइए, तो ये इन और इनटू का हमारा क्लियर हुआ। अब इस दोनों को एक लास्ट पिक्चर से और क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है, क्योंकि जब फ्रेजेस कराऊंगी वहां इन दोनों की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी, तो अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करिए। आओ अब हम इमेज फिर किस चीज की बनाए जिसमें हाँ चलो एक ही में दोनों में आपको समझा देती हूँ, ध्यान से देखो। थोड़ा थोड़ा सा मैं ठीक सा ड्रॉ कर रही हूं, अगर आप मुझे बता पाए कि मैंने ये क्या ड्रॉ करा है, हैं बच्चों बताना एक बार कमेंट्स में कैसी सी मैंने ड्राइंग करी है। पता नहीं बचपन में ना ऐसे 1, 6, 3 करके ऐसे कुछ बना देते थे लोग, वाह बन गई बात थोड़ी थोड़ी सी, तो चलो उस स्माइली वाले फेस से तो ये भी बेहतर है ना बच्चों। ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, पर आप सबको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप मुस्कुरा सकते हैं अपने घर बैठे बैठे,
जब मैं बहुत छोटी थी तब ऐसी ऐसी सी पिक्चर अभी खड़े खड़े ही मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा ड्रॉ कर लेते हैं भाई, क्या जाता है बच्चों को ही तो सिखाना है ना। टीचर एक तरीके का कलाकार और कार्टून ही होता है, बच्चे को सिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो अभी ये आप अपने में से किसी को भी इमेजिन कर सकते हैं, बड़ा मुंह फुला रखा है, बाकी इस आदमी ने ये बड़ा दुखी है, बाहर से अंदर इंटू होगा, जी 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 इंटू, मैम इंटू में आईएनजी लगता है, इंटू में आईएनजी लगता है, अच्छा मोशन दिखाने के लिए, हाँ पर पास्ट में भी इंटू लगता है, ये मत सोचना कि आईएनजी में ही लगता है, ठीक है। बहुत अच्छी ड्रॉइंग की है मैम, ओके रजत थैंक यू, हाँ ये वेल है, ठीक है समझ गए आप सब। ये है कुआं और ये है जिंदगी से परेशान आदमी, कोरोना से थका हारा मुरझाया हुआ दबा कुचला अपने घर पे पड़ा है, और एक दिन इसका सब्र का बांध टूट जाता है कि कोरोना तो जाएगा नहीं, मैं ही धरती को छोड़ के चला जाता हूं। बताओ क्या प्रेपोजिशन आएगी? प्रेपोजिशन में सेंटेंस से पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पिक्चर से पढ़ो तो मजा आए। अभी मैं असली में तो कूद के नहीं दिखा सकती हूँ ना, कुएं में तो ड्रॉ कर दिया है। बताओ मैंने जो ड्रॉ किया है, जो सिचुएशन मैंने दिखाई है, ये कोरोना से परेशान आदमी जब इस कुएं में जंप करेगा बच्चों, तो एक बार मुझे बताओ क्या सिचुएशन है, क्या पोजिशन है, क्या प्रेपोजिशन होनी चाहिए, बताओ जरा मुझे एक बार। अभी अभी इसने जंप किया है, बता दीजिए क्या प्रेपोजिशन होनी चाहिए बच्चों। हेयर स्टाइल भी काफी अच्छा लग रहा है, मैंने अभी अभी देखा स्क्रीन पर ड्रॉ किया हुआ, आपको कैसा दिख रहा होगा, तो नाक मुंह सब कुछ ही एकदम फनी सा है भाई, हाँ इनटू। चलिए आपके जवाब का मैं वेट कर रही थी, सबने सही जवाब दे दिया है। ये इस तरीके से जंप करेगा इसमें, तो दिस मोशन इनसाइड मतलब के अंदर की तरफ जो आप मूव करते हैं, दैट इज इनटू। अब मुझे अगला जवाब ये दो कि इस इंसान को तैरना नहीं आता है, अब इसको तैरना नहीं आता है तो ऑब्वियसली ये कुएं में तैर कर या बाहर तो आने नहीं वाला, यानी ये यहीं पे नीचे सेटल हो जाएगा अपनी सांसें कंप्लीट करके, है ना। अब ये यहां पे सेटल हो गया है तो इस पोजीशन को किससे दिखाओगे, बताओ जरा बच्चों। फिर से आई एम वेटिंग, यस जंप इनटू द कुआं, ठीक कह रहे हो एमजेके जी, जंप इनटू द कुआं। हेयर है स्वीटी, किसने बोला हेयर नहीं है, आपने देखा नहीं मैंने अपनी तरह इसका ये ऐसे पफ बनाया है बॉयज टाइप का, आप नोटिस नहीं करते हो शायद, ऐसे हेयर स्टाइल आजकल फैशन में है। चलिए बताओ जरा, अब वो नीचे सेटल डाउन हो चुका है तो फटाफट से बता दो ये पोजीशन क्या है। कमेंट्स आने बंद हो गए भाई बच्चों, कहां चले गए आप सब। नहीं 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 रेनू जी गलत जवाब है आपका, नहीं है ये, देखो बाल है इसके। मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, अब ये सेटल डाउन जो हो चुका है, ये पोजीशन बताओ क्या होना चाहिए। ही जंप्ड इनटू द वेल, ही इज जंपिंग इनटू द वेल, तो सही है। ही इज डैश द वेल, क्या होना चाहिए, ही इज डैश द वेल। बच्चों दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, ही जंप्ड सिचुएशन द वेल, अब हमने कहा ही डैश, ही इज डैश द वेल, है ना बच्चों। पहले वाला जो पिक्चर था वो ऊपर वाले सेंटेंस को दिखा रहा है और दूसरे वाला पिक्चर नीचे वाले सेंटेंस को दिखा रहा है। हाँ जी बिल्कुल जैसी मुझे उम्मीद थी वही लाजवाब जवाब आपने दे दिया है। दीक्षा, रजत, नेहा, स्वीटी, करमपाल इनटू हो सकता है, करमपाल बच्चे यहां गलत हो आप, रेनू, पूजा, ये सब गलत हैं, पूजा इंदोरा भी गलत हैं, पूजा सांगवान जी के लिए मैं क्लैपिंग कर रही हूं, वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ाया जब तक ऊपर से अनकवर्ड में दिखाओगे जवाब इन होगा। जो बच्चे इनसाइड कह रहे हैं वो मुझे प्लीज ये क्लियर करें कि क्या कुएं के ऊपर ढक्कन होता है, हाँ कुएं पर ढक्कन देखा है क्या आप लोगों ने कभी, कि आप पानी निकाला और फिर ऐसे बाल्टी की तरह उसको प्लेट वगैरह लगा के ढक दिया, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। कुआं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऊपर से ओपन होता है, देखो बंद तो किसी चीज को कर दो, इंसान को ही बंद कर दो आप, कुछ भी हो सकता है बंद तो, लेकिन नेचुरली क्या होता है ऊपर से ओपन होता है वो, और जब तक चीज ऊपर से खुली है और उसमें दिखाओगे तो इन होगा। पता है ये इनसाइड वाले बच्चों ने क्यों लगाया इनसाइड, उन्होंने हिंदी बनाई है, मैं कह रही हूं कलाकारी दिखाई बिना मानेंगे नहीं हम लोग, उन्होंने हिंदी बनाई है कि वो कुएं के अंदर है, नहीं जी वो कुएं में है,
वो कुएं के अंदर नहीं है। देखो हमारी हिंदी भी शुद्ध और अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हिंदी के मेथड से आप बिल्कुल ना करें। हिंदी को भी हम पता नहीं, इंग्लिश वाले शब्दों को भी हिंदी में ऐसे ऐसे बोलते हैं। सारे टीचरों को बुला लो, अभी व्हाट इज टीचरो, आज तो मैंने 3 पिज्जे खाए 3 पिज्जे है ना, तो हम किसी भी शब्द की टांग तोड़ सकते हैं। तो हिंदी की मदद से तो प्रेपोजिशन बिल्कुल ही नहीं होने वाली है। बाकी पिज्जा का नाम ले दिया है मैंने दोपहर के समय, वो भी कोरोना में, तो आप सबके पेट में चूहे दौड़ पड़े होंगे और VFC याद आ गया होगा आप सबको, है ना। फर्स्ट वाले में इनटू आएगा, दूसरे वाले में इन आएगा। आप लोगों से नहीं हुआ, इनसाइड वाले बच्चे बिल्कुल गलत हैं। अब इनसाइड वालों को ही मैं जवाब दे देती हूँ, आ जाओ एक बार। इन और इनटू आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताओ। समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट सेक्शन को भर दो, यस मैम गो हेड, यस मैम गो हेड, इस तरीके से लिख दो। और सही सही पढ़ा रही हूं तो फटाफट से खुशियां दिखाया करो कमेंट्स के अंदर, ताकि मुझ में जोश बना रहे, है ना। नहीं तो दोपहर के टाइम मैं भी सो जाऊंगी और आप भी सो जाओगे, ऐसे समय पर क्लास है। अच्छा नेहा जी पिज्जा भेज रहे हो, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज इन एंड इन टू। अभी आपका कोई दोस्त भाई बंधु सो रहा हो तो उसको फोन करके जगाओ और बोलो क्लास अटेंड कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इतने दोपहर में अगर हम लोग आ रहे हैं, नहीं खाए मैम, किस्मत काम नहीं कर रही है अब ठीक बात है, अभी तो आप पिज्जा भी वर्चुअली खा सकते हो, है ना, पिज्जा वर्चुअल खा सकते हो। अभी समझाया था ना फिजिकल और वर्चुअल का डिफरेंस क्या होता है। चलिए इनसाइड पे चल रही हूं बच्चों। इनसाइड समझाने के लिए फिर से इन वाली पहली पिक्चर मैं आपको क्लियर करती हूं। इन कुछ इस तरीके से मैंने आपको कहा था, समथिंग लाइक दिस, हेयर इट इज इन, है ना बच्चों। अभी अभी मैंने सिखाया कि कोई भी ऐसी चीज जो ऊपर वाली तरफ से ओपन के अंदर कुछ दिखाते हो, उसमें कुछ दिखाते हो, तो इट इज ऑलवेज इन। बाहर से अंदर मोशन दिखाओगे, इट विल ऑलवेज बी इन टू। और जो अगली चीज है हमारे सामने इन, देखो बच्चों यही वाला इन 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 इन, और इसके साथ शब्द जुड़ गया है साइड। अब ध्यान से इस पिक्चर को नोटिस कर लेना, इन यहां पर है और इनसाइड इसे कहते हैं, इन के साथ जुड़ गई है साइड। इन का मतलब वन साइड ओपन, और जैसे ही ये ऊपर वाली साइड जुड़ गई तो ऑल साइड्स कवर्ड के अंदर कुछ दिखाओगे, तो नाउ इट विल बी इन द साइड। समझे, ये साइड शब्द क्या दिखा रहा है, ये साइड शब्द दिखा रहा है कि इन की जो एक साइड ओपन थी वहां पे भी साइड कवर हो गई, तो फ्रॉम ऑल द साइड्स इट इज इनसाइड। और आप बहुत हैरान होंगे, 90% लोग इनसाइड का यूज गलत करते हैं। नाउ आई एम टीचिंग और आई एम स्टैंडिंग इनसाइड अ रूम, सेंटेंस होना चाहिए इनसाइड अ रूम, और 90% लोग बोलेंगे इन द रूम या इन अ रूम। रूम के लिए हमेशा इन लगा देंगे, जबकि इन का मतलब है ओपन फ्रॉम अपसाइड। अभी सिखाया था ओपन फ्रॉम अपसाइड। अगर किसी कमरे की छत ही नहीं है तो उसे कमरा कहोगे क्या? नहीं कहोगे। और छत लगेगी तभी वो रूम होगा, और छत लगने का मतलब है साइड लग गई, और इन के साथ जब साइड लग जाती है तो वही तो इनसाइड होता है। हाँ एक बात यहां मैं क्लियर करती हूं बच्चों, जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम कह देते हैं यू ऑल आर सिटिंग इन द क्लास। ध्यान से समझना बच्चों ये चीज को, यू ऑल आर सिटिंग इन द क्लास। और अगली बात भी ध्यान से सुनो, यू ऑल आर सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम। फील करो थोड़ा सा, फील करिए थोड़ा सा मैं क्या बोल रही हूं। इन द क्लास एंड इनसाइड द क्लास रूम, क्लास रूम मींस फिजिकली आपने उसे दिखा दिया। अभी क्लास किसी फिजिकल में जगह का नाम नहीं है, क्लास का मतलब जहां बच्चे इकट्ठे होकर के बैठ गए। सरकारी स्कूल में पेड़ के नीचे भी क्लास लग रही होती है, लगती है कि नहीं बताओ जरा। हमारे बच्चे जनरली इस तरह के सिचुएशंस को फेस किए हुए होते हैं, या अभी आसपास में देखे होंगे आपने स्कूल्स, तो वो इन है। वहां पे भी बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्लास चल रही है, इट इज इन द क्लास, दे आर इन द क्लास, आप लोग भी इन द क्लास हो। लेकिन अगर क्लास रूम है तो वही बात हो गई भाई, रूम तो फिजिकल चीज को दिखाएगा, और फिजिकल चीज को दिखाओगे तो आंसर हो जाना चाहिए
इनसाइड। क्लोथ्स को अलमीरा के अंदर रखते हैं। अलमीरा किस चीज को बोलते हो जो सब तरफ से कवर्ड होती है ना, अगर पहले से आगे से खुली है तो उसको अलमीरा नहीं रैक बोलना चाहिए, और रैक के लिए इन द रैक होता है, ठीक है। ड्रॉर के लिए इन द ड्रॉर्स होता है, क्योंकि वो सब वन साइड ओपन चीजें हैं। लेकिन अलमारी में तो भाई लॉक वगैरह लगता है ना प्रॉपरली, तो दैट इज इनसाइड्स। क्लॉथ्स आर इनसाइड द अलमीरा, माय पेंस आर इन द ड्रॉअर, ठीक है। इस तरीके से होता है बच्चों जी। कुछ नहीं पूछ रहे हो आप, दोनों सेंटेंस सही है मैम, पहले में इंटू से, हाँ ठीक है करमपाल, आपके दोनों सही है, थम्स अप। यस मैम, यस मैम, हमारा तो कॉलेज में भी होता है मैम, हमारे तो कॉलेज में अब भी होता है। अच्छा, पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाते हैं, ठीक है ठीक है। मैं अब मैं आपके कमेंट को कनेक्ट कर पाई, ठीक है। हाँ, तो वो क्लास ही लग रही है ना मीना, तो दैट इज यू आर अटेंडिंग द क्लास। बाकी इसमें प्रेपोजिशन नहीं आई क्योंकि मैंने पोजिशन नहीं दिखाई, तो इन द क्लास आप बोल सकते हो, लेकिन रूम के लिए आप क्या कहोगे, इनसाइट। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें क्लियर कर दी है, इन इन टू और इनसाइड। क्या ये तीनों आपको समझ में आए, जल्दी से बता दो, फिर मैं अंडर बिलो और बिनीत को लेकर के चलूंगी। क्या ये तीन में आपको ठीक ठीक क्लैरिटी आ गई है? जल्दी से कमेंट्स में बता दो। रजत, क्या मैसेजेस डिलीट कर रहे हो बेटा? नोनू, संधू, ये बीच में ना नोटिफिकेशंस आ रहे हैं बार बार, आपके कमेंट्स हाइड हो जाते हैं। ड्रॉर क्लोज होता है कैसे? ड्रॉर आप उसी को कह रहे हो ना जो ऐसे ड्रॉ करके निकालते हैं। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, है ना। तो ड्रॉर का मतलब ही होता है जो इस तरीके की पोजीशन से यू बाहर लाया जा सके, और जब ड्रॉर बाहर लाओगे तो इट इज ओपन फ्रॉम अपसाइड, उस पोजिशन में आई एम सेइंग इन, इट इज ड्रॉर। हाँ, लॉक कर रखा है ड्रॉर के अंदर तो आप कह सकते हो इनसाइड द ड्रॉर, अगर लॉक्ड है प्रॉपरली कुछ ऐसा सेंटेंस बना रहे हो तो आप इनसाइड यूज कर सकते हो, ठीक है। आइए अब चलते हैं अंडर और बिलो बिनीथ। बच्चों इसको भी अब ध्यान से समझना, अंडर नीचे, बिलो भी नीचे, बिनीथ भी नीचे, ये तीनों शब्द देखो, छह के छह शब्द इस डायरेक्शन के थे, पहले तीन हमने क्लियर कर दिए हैं, अब इन तीन की बात करते हैं। जहां तक बात आती है अंडर की, जनरली ये इस तरह की पोजीशन को दिखाता है, दिस इज अंडर, ठीक है। मैं कह सकती हूं आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, रूफ इस तरीके से है, फैली हुई चीज, उसके नीचे अंडर अ ट्री नहीं कहते हो, अंडर अ ट्री आप बोलते हैं, तो ट्री इस तरीके से है ना, तो अंडर द ट्री, तो इस तरीके से कवर्ड कोई चीज के नीचे आप दिखाओगे तो इट विल बी अंडर। द डॉग वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, हाँ ऐसे इस तरीके के सेंटेंसेस आपने बचपन से ही सुने होंगे, तो इन सबको आप कह सकते हो बच्चों अंडर, इस तरीके के पोजीशन के नीचे। जैसे मैंने कहा मैं छत के नीचे हूं, आसमान के नीचे हूं बैठी हूं, पेड़ के नीचे बैठी हूं, है ना, तो ये सारे सेंस में आप ले सकते हो अंडर। बिलो जो शब्द आता है ध्यान से देखिएगा, लेवल को मेंशन करता है। कल मैंने अबव समझाया था, तब भी कहा था कि अबव स्पेसिफिक लेवल से ऊपर को कहते हैं और बिलो स्पेसिफिक लेवल से नीचे को कहते हैं। बच्चों स्पेसिफिक लेवल से नीचे, जैसे कल मैंने कहा था 50% से ऊपर आएंगे तो आपको साइकिल मिलेगी, ठीक है, इट इज अबव 50%। और अगर हम कहते हैं 50% से नीचे आएंगे तो आपको जूते, लाठी, चप्पल सब मिलेगा, तो इट इज बिलो। ये वाला जो पोजीशन है इट विल बी बिलो एंड दिस इज अबव। अरे बच्चों बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ, हिंदुस्तान में हम लोग हैं, ये चीज सुनते हो कि नहीं सुनते हो, इंडिया के अंदर तो बीपीएल कार्ड्स, बीपीएल स्कीम्स, ये सब आप सुनते रहते होंगे, सरकार समय समय पर अनाउंस करती रहती है, तो इट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। नोटिस करने की बात ये है, लाइन लाइन, अब उस लाइन को ड्रॉ कर दिया है तो एक लेवल सेट कर दिया, और उस लेवल के नीचे अगर हम जाते हैं तो इट विल बी बिलो, अगर उसके ऊपर है तो इट इज अबव।
कवर्ड से चीज के नीचे, बड़े से चीज के नीचे आप अपना पोजीशन सेटिंग स्टेबिलिटी दिखा रहे हो. स्टेबल होता है अंडर मोशन को नहीं दिखाता, तो इट इज अंडर. ठीक है, अगर मैं बीनीथ की बात कर रही हूं तो बड़ा ध्यान से बच्चों प्लीज सुनिएगा. वैसे तो बीनीथ ऑलमोस्ट इसके बराबर आजकल हो चुका है. ठीक है, बाकी एक्चुअली में बीनीथ की पोजीशन कुछ ऐसी सी होती है. अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो अंडर में मैंने थोड़ा सा स्पेस दिखाया और बीनीथ में मैंने कहा बिल्कुल उसके साथ चिपक कर नीचे. इस सेंस में हमें जनरली बीनीथ लगाना होता है. लेकिन बच्चों यहां मैं 2 मिनट का पोज देके ना बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, ध्यान से सुनना. पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं यहां पे कि अंडर और बीनीथ आज की भाषा में बराबर हो चुके हैं. मतलब जहां अंडर लग रहा है वहां बीनीथ भी सही है, जहां बीनीथ लग रहा है वहां पे अंडर भी सही है. आज के भाषा में दे बोथ आर इक्वल. लेकिन एक्चुअली में मैं आपको अगर पोजीशन क्लियर करूं तो मैंने बोर्ड पे आपको समझा दिया है अंडर का मतलब जो सरफेस आपको दिखाया है कुछ गैप पे आप उसके नीचे दिखा रहे हो, और बीनीथ का मतलब है तो उसके नीचे लेकिन जस्ट बिल्कुल एडजेसेंटली. बाकी एडजेसेंट वर्ड भी यहां कहना गलत होगा, एकदम से सेट करके नीचे. एग्जाम्पल देती हूं बच्चों, एग्जाम्पल से शायद आप समझ पाओ. इस सरफेस को मैं मान लो नेहा, और ये जो सर्कल है इसे इस रूम का फर्श मान लो. इस फर्श पे ऐसे मैं खड़ी हूं, देखो दिस इज द सरफेस एंड दिस इज आई. नेहा बीनीथ, नेहा के बीनीथ क्या है, फर्श या जमीन. अब ये जो जमीन है ये नीचे वाली, ये इस तरीके से तो कभी भी नहीं हो सकती. समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई ऐसी चीज जो हमेशा नीचे ही रहे वो ऊपर नहीं आ सकती हो. वो इस तरीके से अटैच्ड है उसके नीचे, उसको आप इस तरीके से ऊपर नहीं ला सकते हो. उस चीज के लिए बीनीथ यूज होता था. एक्चुअली द वर्ड वॉज फॉर दैट. जैसे इसको ऐसे चिपका के क्यों दिखा रखा है कि इसी का पार्ट है ये, इसके नीचे ही रहेगा हमेशा. और यहां गैप क्यों दिखाया है कि अभी ये नीचे है पर ऊपर भी बैठ सकता है. ठीक है, तो दिस इज अंडर. लेकिन जो नीचे ही रहे हमेशा अटैच्ड है उसके साथ, ऊपर हो ही नहीं सकता है, उसे हम कहते थे बीनीथ. आज के भाषा में इन्हें इक्वल यूज करना शुरू कर दिया है. जैसे सुबह की क्लास में बता रही थी, प्लीज और काइंडली को बराबर ही गिन देते हैं आजकल लोग, डिफरेंस तो होता है ना. पर तो वैसे ही अंडर और बीनीथ में डिफरेंस तो होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव फील्ड में दोनों को बराबर लेकर के चलते हैं. आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो. या ऐसे भी नहीं समझ में आया तो बच्चों गुलाब का फूल इमेजिन करो, कर ही सकते हो. आपका फेवरेट गुलाब का फूल है, उस गुलाब के फूल के नीचे होते हैं कांटे हमेशा, कभी ऊपर देखें बताओ जरा, किसी ने देखे हो तो. फूल पर कांटे नहीं होते हैं, उसके नीचे होते हैं, और वो नीचे ही रहेंगे, ऐसे तोड़ करके उसके ऊपर नहीं लगे होते कभी भी, है ना. और वो जो पकड़ने के लिए नीचे ऐसे पतली डंडी सी होती है, वो भी ऐसे तोड़ करके ऊपर नहीं लगी होती है, वो कहां है, हमेशा नीचे ही रहेगी. तो दैट इज बीनीथ, इट इज नॉट अंडर. एक्चुअली में वो क्या है, बीनीथ है. ठीक है, अब बताओ क्लियर कर पाई या नहीं. हाँ मयंक, बीनीथ और वो दोनों बराबर होते हैं. अभी मैंने बहुत बार बोला अभी के क्लास में कि बीनीथ और अंडर तो एकदम बराबर हैं, लेकिन आपको एक्चुअली में जो नॉलेज है वो देने के लिए मैंने क्लियर किया है. हाँ, अगर रूफ के नीचे फैन दिखा रहे हो तो पक्का बीनीथ आएगा, क्योंकि रूफ के नीचे ही रहेगा फैन, ऊपर नहीं लगा सकते हो आप, है ना. तो वो पक्का बीनीथ है. लेकिन फैन के नीचे मुझे दिखाओगे तो मैं अंडर हूं, रूफ के नीचे मुझे दिखाओगे तो भी मैं अंडर हूं. ठीक है बच्चे. रजत ने पूछा शायद, नहीं राज, राज दबास जी, ये है आपका आंसर. बीनीथ यूज हाँ कर सकते हैं यूज. ये वेटिकन अंडरस्कोर नेहा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है बच्चों, आप सब्सक्राइब कर लो अगर आप में से किसी ने करने रखा है. फॉर अपडेट्स ऑफ द क्लास नोट्स एंड मटेरियल आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हो. वेटिकन के ऐप का भी लिंक दे दीजिए यहीं पे, ताकि बच्चे ऐप को भी सीधा डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी तक मेरे पास मैसेज आ रहा है मैम ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कहां से होगा. तो यहाँ लिंक में अभी आ रहा है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए वेटिकन के ऐप को. और 2 दिन के लिए उस पर फ्री क्लासेस हैं, और स्कीम भी है कल तक, कल संडे तक भारी धमाका ऑफर चल रहा है, उसे भी कर लो. और मेरे क्लास के बाद में मैं शो भी कर दूंगी, और क्लास के पहले भी हमने शो किया था कि क्या डिस्काउंट स्कीम है. चलो यहां तक समझ में आ गया बच्चों. हाँ क्लियर क्लियर, ओके, थम्स अप, फ्लावर भेज दिया है आपने मेरे लिए, थैंक यू स्वीटी. स्वीटी का भी नाम याद हो गया है मुझे. यूजर 1234 हमारा रेगुलर बच्चा था, सुबह तो था अभी नहीं है. ये दो बच्चे तो मुझे पक्का याद हो गए, और एक अपना एक और लड़की थी वो शायद अब इरेग्युलर हो चुकी है. 2 से 3 बच्चों के नाम तो मुझे ठीक ठाक से याद हो गए हैं, वो रेगुलर हैं.
सोनम थी शायद, वो नहीं है आज क्लास में। हम तो गुलाब को फूल ही नहीं देखा मैम। करमपाल जी, गुलाब का फूल नहीं देखा? अभी अभी कमेंट्स में आया था, देखिए व्हाट्सएप वालों ने भी दे रखा है आपको, जहां पे इमोजीज आते हैं वहीं पे गुलाब का फूल है, देखिए। राज, अभी ऐप पे 2 दिन के लिए फ्री क्लास, लाइव डेमो क्लास हमने चलाई हुई है 2-3 दिन के लिए, आप ऐप को डाउनलोड करके उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो फिलहाल। सोनम मैम, हाँ स्वीटी, सोनम ही थी रेगुलर। हाँ फ्री क्लास है रजत, मैंने अभी बताया 2-3 दिन के लिए, आप दोबारा से पूछ रहे हो। सौम्या शर्मा भी मुझे नहीं पता रेगुलर थी क्या वो, मैंने इतना, हाँ पूजा मान लिया, पूजा मान लिया, अरे भर दिया आपने मेरा कमेंट बॉक्स भर दिया, मान लिया आप भी रेगुलर हो। हाँ पूजा सिवाज भी रेगुलर है, 3 से 4 बच्चे तो रेगुलर हैं, खैर बिल्कुल मान लिया। मैम आप पर डेमो क्लास कब शुरू होगी? डेमो चल रहा है पूजा, कल पहली डेमो क्लास थी, आज दूसरी थी, मंडे की शायद और हम फ्री रखेंगे, उसके बाद फिर सिर्फ पेड वाले बच्चों को ही दिखाई देगा। पूजा जी मान लिया आप भी रेगुलर हो, मान लिया। लड़कियां ज्यादा रेगुलर है, लड़के थोड़े से कम रेगुलर है, हाँ चंचल स्वभाव के होते हैं इसलिए। राज दबास रजत, ये आप लोग शायद आपस में कुछ बात कर रहे हैं, मजा आ जाता है। ओके थैंक यू, हम भी रेगुलर हैं, आपके सेंटर के बच्चे हैं मैम। रेनू नेहरा जी आप भी रेगुलर हो, चलो आगे से आपके नाम को भी नोटिस करने की कोशिश करूंगी। राज, हाँ एग्जाम में पता चलेगा कौन रेगुलर था। ठीक कह रहे हो राज, बाकी जो रेगुलर हैं अपनी लाइफ को लेके, टाइम टेबल को लेके, बुक से दोस्ती निभाते हैं, नौकरी उनके पास पक्का आती है, ये सच्चाई है। कितनी ही दुविधाएं आए, कितनी ही परेशानी आए। आदित्य दैया जी, इंग्लिश स्पेशल बैच अनाउंस करूंगी बेटा नेक्स्ट वीक में, मैंने बताया है नए बैचेस कुछ मैं अनाउंस करने आऊंगी लाइव। हाँ कृष्ण शर्मा जी, मैं भी रेगुलर हूँ। ओके ठीक है, मान लिया आप भी रेगुलर हो, अभी तो सब अपने आप को रेगुलर ही बोलोगे, हो या नहीं हो, है ना। बाकी मुझे 4-5 बच्चे ही याद हैं, जो जो भी रेगुलर है ना, डेली का कोई सिंबल बना लो मेरी क्लास में, वो सिंबल छोड़ दिया करो, मैं समझ जाऊंगी हाँ ये वही बच्चा है, क्योंकि नाम में तो कंफ्यूजन भी रह जाती है ना, ऊट पटांग से नाम रखते हो आप लोग अपना यूट्यूब के ऊपर कुछ कुछ, दासू छोरा, शरारती बालक, ऐसे ऐसे नाम आप लोग रखते हो। ये 2-3 बच्चे थे, अभी वो गायब हो गए हैं शायद, रेगुलरिटी तो नहीं है ना हमारे बच्चों में, धोखा तो वहीं खा रहे हैं हम लोग। कितनी फ्री क्लासेस दे दो, देखो यूट्यूब भरा पड़ा है टीचर्स से, यूट्यूब भरा पड़ा है क्लासेस से, लेकिन फिर भी नौकरी कौन ले रहे हैं सोचो आप जरा, जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं। इधर उधर टप्पा खाने वाले बच्चों का कुछ नहीं होता है, बेपैंदे का लोटा लुढ़कता ही रहता है बस, तो किसी एक या दो को फॉलो करो, दैट्स एनफ, तभी बात बनेगी, तभी रिजल्ट आएगा। मैं भी मिलता रहता था, पता नहीं क्या बात कर रहे हो, आपसे तो मैं ऑफिस में मिलती रहती हूँ मैम। अच्छा रेनू मुझसे ऑफिस में मिलते रहते हो, अब चलो मान लेते हैं, अभी मैं क्या बोलूँ, फेस तो नहीं दिख रहा ना यहाँ नाम के अंदर आपका, आप भी मिलते थे राज। ये सिंबल मैम, ठीक है पूजा का सिंबल हमने मान लिया, ये वाला सिंबल दिखेगा तो हम मान लेंगे ये पूजा है। बाकी सारे बच्चे भी अपना सिंबल्स बता दो भाई, क्या सिंबल पे कौन बात करेगा, तब तक मैं अगली प्रेपोजिशन डिस्कस करना शुरू करती हूँ, आ जाओ। कल मैंने आपको सिखाया था ओन, है ना, अब इसी को बहुत बार आपके एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं अलोंग के साथ, ओन को ही कंफ्यूज कर देते हैं अलोंग के साथ। अब ओन को मैं कल के क्लास में क्लियर कर चुकी हूं, ये सिंबल है रजत का, ठीक है रजत जी पहचान लिया हमने आपका सिंबल भी। अब इस ओन को अलोंग से कंपेयर करने वाला एक सिंपल सा सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, आई वॉज वॉकिंग डैश द रिवर, तो रहने दो कोरोना टाइम चल रहा है, रोड ही लिख देते हैं, आई वॉज वॉकिंग डैश द रोड। बच्चों ध्यान से नोटिस करना अगला सेंटेंस, He was driving. ये पिक्चर से नहीं समझा सकते इसलिए सेंटेंस लिख रही हूं, He was driving a car dash the road.
देखो क्लास के शुरुआत में मैंने कहा था कभी किसी चीज को देख के प्रेपोजिशन मत लगाना, मतलब ऐसे मत रटना कि रोड के लिए तो भाई हमेशा यही आएगा। इसीलिए मैंने दोनों ही जगह पे देखो रोड यूज किया है। अच्छा राज पता नहीं भाई, एवरी बडी नोज यू, मे बी मैं भी जानती हूँ, बाय फेस हो सकता है, नाम मुझे कम याद रहते हैं। ये सिंबल सैनिटाइजर का सिंबल है स्वीटी, वेरी गुड, चलो आपने मुझे याद दिला दिया, मैं सैनिटाइज कर लेती हूँ हाथ, बहुत देर हो गई है। हर 15 से 20 मिनट में हाथों को सैनिटाइज करें। आप लोगों के डिमांड पर हमने फेस मास्क को लगाना बंद किया हुआ है क्लासेस में, अदरवाइज हमें मास्क लगा के पढ़ाना चाहिए, नहीं तो ऑपरेटर महाशय से भी हमें खतरा हो सकता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पहले मैंने आंसर दिया था, मेरा ये सिंबल है पूजा सिवाच। अरे अभी तो आपका सिंबल कुछ और था पूजा, अभी आपका ये डांसिंग सिंबल हो गया, ये तो गलत बात है, ऐसे सिंबल बदलोगे तो आई विल गेट कंफ्यूज्ड। अलोंग द रोड, शाबाश। मैं जवाब का आंसर, सॉरी आंसर का वेट मैं कर रही थी। आई के केस में अलोंग और ड्राइविंग, ही वॉज ड्राइविंग अ कार के केस में ओन। बच्चों कार जो है देखो इमेजिन करो, अभी कहां इमेजिन करवाएं, ये वाला रोड दिखेगा क्या अगर मैं बनाऊं तो? दिखना तो चाहिए स्पेस के हिसाब से। देखो मैंने मान लिया ये रोड, कितनी जल्दी हमने सड़क बना दी है, देखो सरकार को कितने दिन लगते हैं, हमने झटपट कुछ सेकंड्स में ही सड़क बना दी, देखा कलाकारी अंग्रेजी के टीचर्स की। ये हमारा जो रोड है बच्चों, इस रोड पर अगर मुझे चलता हुआ दिखाना है तो ये हूं मैं। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, बाकी अपने आप को मैंने अपनी तरफ से बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की है, आप बताइए मैं खूबसूरत इसमें लग रही हूं कि नहीं। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है ना मेरी, मेरा अलोंग ये है, ये रोड है, यहां पे मैं चल रही हूं, यहां चल सकती हूं दाएं की बजाय, वैसे बाएं दिखाना चाहिए मुझे, हमें बाईं ओर चलना होता है रोड के, तो दिस इज अलोंग। अगर मैं यहां चल रही हूं चौधरी बन के तो मुझे अपना जीवन प्यारा नहीं है और मैं भगवान को कह रही हूं मुझे ऊपर बुला लो, ये होता है ऑन द रोड। आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड का मतलब सड़क के बीचों बीच हम ऐसे सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, आओ जरा कोई गाड़ी वाला मुझे उड़ा के दिखाए, है ना, इस तरीके से हम सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं अगर हम ऑन द रोड हैं तो। ज्यादातर लोग बोलते हैं आई वॉज ऑन द रोड, कॉल पे बता रहे होते हैं मैं उस टाइम पर सड़क पर था इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की, आई वॉज ऑन द रोड। जबकि कार स्कूटर कुछ वो मेंशन करे तो ऑन लगा सकते हो, अपने आप के लिए बात करोगे तो हमेशा आपको लेना चाहिए Along बच्चों। ठीक है, अब अगली बात इसी में मैं जोड़ रही हूं, ध्यान से सुनना। हाँ ये पोजिशन ऑन होती है ये गलत है, ये पोजिशन along है ये सही है। किसी चीज के साइड में चलना इस तरफ या इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर के साथ साथ के सेंस में along आता है बच्चों, और बिल्कुल उस सरफेस के ऊपर दिखाओगे तो फिर ऑन आता है, और रोड के सरफेस के ऊपर चलने के लिए हमें नहीं बनाया है भगवान ने, वो भी हिंदुस्तान में। यहाँ के लोगों की ड्राइविंग आपको पता ही होगी, है ना, हम भी यहीं पे चलाते हैं ना तो हमें पता है कि हम कैसे चलाते हैं, और कोई इस तरीके से चल रहा है तो वो कितने दिन जीवित रहेगा बताओ जरा, कोरोना से मरे ना मरे यहाँ वाली बात गड़बड़ी में कर देगी उसको। तो इट इज ऑन एंड अलोंग। अब अगला जो पॉइंट में इसमें, अच्छा पूछ रहे हो कुछ, अच्छा ये तो कुछ आपस में आप लोग कैपेचिनो और ये बातें कर रहे हो, नहीं मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो, काफी बड़ा सा कमेंट था। चलिए इट इज ऑन एंड अलोंग। अब इससे एक छोटी सी बात मैं और जोड़ लेती हूँ, एक दो मिनट है मेरे पास, फिर लास्ट में 5 मिनट आपके डाउट्स लूंगी और बाय बाय करके अगले हफ्ते मिलेंगे फिर आपसे। अब ऑन और अलोंग में जो अगला कंफ्यूजन है वो क्या होता है बच्चों के साथ, ध्यान से देखना बच्चों। इस केस में पता है क्या है, रोड फिक्स है, ये चीज ना बहुत ध्यान से समझने की है, अभी भाग मत जाना, बहुत जरूरी बात बता रही हूं, टिके रहो सुन लिया करो 2 मिनट रुक करके। ये रोड फिक्स है और मैं मोशन में हूं, यानी एक चीज स्टेबल और एक मोमेंट में जब होती है उस केस में लेना होता है अलोंग। लेकिन अगर मैं इस रोड की बात ही नहीं करूं, मैं चल रही हूं किसी और के साथ, सपोज पूजा के साथ ही मैं चल रही हूं, अभी कमेंट्स में जो पूजा ने ऐसे ऐसे बड़े सारे मैसेज भेजे थे उन्हीं पूजा की मैं बात कर रही हूं, और ये पूजा जी हैं और ये मैं हूं, और हम दोनों बातें करते करते साथ साथ में चल रहे हैं, इसे अलोंग नहीं कहेंगे बच्चों।
जनरली लोगों ने ना बुक्स में पढ़ा होता है कि पैरेलल चीज के लिए आप अलोंग लगा सकते हो, लेकिन मैं एक पॉइंट ऊपर की बात कर रही हूं। दोनों चीजें आपस में पैरेलल तो हैं, लेकिन दोनों स्टेबल हैं, दोनों मोशन में हैं। एक स्टेबल है, एक मोशन में है, उससे फर्क पड़ता है। अगर एक स्टेबल है और एक मोशन में, बहुत ध्यान से सुन लेना, बुक्स में नहीं मिलेगा ये, मैं बता रही हूं आपको। एक स्टेबल है, एक मोशन है, तो इट इज अलोंग। अगर दोनों ही मोशन में है तो वो अलोंग नहीं हो सकता है। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हाथ पकड़ के सड़क पे चलते हुए बातें करने लग रहे हैं, तो वो अलोंग नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, डबल मोशन के लिए हम यूज करते हैं बिसाइड्स। दे आर वॉकिंग बिसाइड्स ईच अदर। बहुत ध्यान से सुन लेना बच्चों, तीन चल रहे हैं, सात चल रहे हैं, दस चल रहे हैं, सबके केस में अगर सब मोशन दिखा रहे हो ना, तो वो बिसाइड्स होता है। और अगर ये दोनों चलते चलते थक गए और यहां पे जाके ये दोनों बैठ गए, बैठते ही वो मोशन की बजाय स्टेबल हो जाएगा। और दो चीजें एक दूसरे के साथ जब स्टेबल होती हैं तो फिर आ जाता है बिसाइड। क्या समझे बच्चों? मैं आपके साथ बैठी हूं, आप अपने पापा के साथ बैठे हैं, इट इज बिसाइड। आप अपने पापा के साथ सड़क किनारे वॉक कर रहे हो। अब डिपेंड कर रहा है कि आप अपने दोनों को दिखाते हो तो बिसाइड्स ईच अदर, और अगर आप अपने दोनों को रोड के साथ दिखाते हो, यानी वी बोथ आर वॉकिंग अलोंग द रोड। समझना बच्चों प्लीज, बहुत ध्यान से, वी बोथ आर वॉकिंग अलोंग द रोड, वी बोथ आर वॉकिंग बिसाइड्स ईच अदर। जब मैं अपने दोनों को फोकस करूंगी तो मैं बिसाइड्स लगाऊंगी, जब मैं अपने दोनों को एक बना के रोड के साथ दिखाऊंगी तो मैं अलोंग लगाऊंगी, और अगर मैं अपने दोनों को मोशन में दिखाने के बजाय स्टेबिलिटी में दिखा रही हूं, स्थिर दिखा रही हूं, बैठा हुआ, लेटा हुआ, रोड किनारे, रोड पर, कहीं भी बैठा हुआ, अगर एक दूसरे के साथ साथ वाला पोजिशन दिखाओगे तो आपका आंसर होगा बिसाइड। ठीक है बच्चों? हाँ जी, समझ में आ गया है यहां तक का? यहीं पे अपनी क्लास को मैं रोकूंगी। अब दो मिनट आप सबसे मैं बात कर लेती हूँ। कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई डिमांड है मुझसे, किसी क्लास से रिलेटेड, मेरी क्लास से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, कुछ भी बच्चों, हमेशा क्लास के लास्ट के पांच मिनट आप सबको इन्हीं डाउट्स के लिए मैं देती हूँ, और स्क्रीन पे डिस्काउंट डिस्प्ले कर देती हूँ मैं, ताकि आप उसको देख लें किसने किस बैच में एडमिशन लेना है, क्या डिस्काउंट चल रहा है, पेमेंट मोड भी उसी पर है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, मैम पे कैसे करूं? ऐप पे नहीं करना है, पेमेंट मोड आपको डिस्काउंट स्कीम के साथ दिखा रही हूं, वहां पे करो। हाँ, वॉकिंग बिसाइड्स ईच अदर बोथ के लिए सिटिंग बिसाइड, बिल्कुल ठीक दीक्षा जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप मेरी बात को। एम जे के इमोजी मैम, इतने इमोजी मैम। इन द क्लास कंसेप्ट बता दो मैम एक बार फिर। आदित्य, उसमें मैंने ये समझाया था कि क्लास ना कहीं पे भी हो सकती है, अभी ये भी फिलहाल क्लास चल रही है, यू ऑल आर इन द क्लास, है ना, किसी कवर्ड जगह पे हम लोग नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी वर्चुअली हम सब इकट्ठे हैं इस लैपटॉप के अंदर, हम सब इकट्ठा फील कर रहे हैं कि मैं आप सबको ही पढ़ा रही हूं जैसे। तो इट इज यू ऑल आर अटेंडिंग द क्लास, अटेंड लगाओगे तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, पर अभी आप लोग इन द क्लास हैं। लेकिन अगर क्लास रूम आप बोलते हो, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डिस्काउंट, अगर क्लास रूम आप बोलते हैं ना, तो जब आप कवर्ड, फिजिकली कवर्ड दिखाते हो अपने आप को, तो ही इनसाइड आता है। फिजिकली कवर्ड नहीं है, मेंटली कवर्ड दिखा रहे हो तो इन लगा सकते हो, एक्चुअली में बॉक्स वाली फीलिंग ना हो तो इन लगा सकते हो। ठीक है, तो क्लास रूम में कमरा है, क्लास में बच्चों पे फोकस किया हुआ है, बच्चे बच्चों की बात हो रही है, ना कि कोई कमरे की बात हो रही है, इसलिए वहां पे इन आ जाता है। ठीक है, रोड के पास खड़े हैं तो क्या आएगा? अलोंग ही आएगा। यू आर स्टैंडिंग अलोंग, या फिर बिसाइड भी लगा सकते हो, बिसाइड भी लगा सकते हो ना, क्योंकि आप कह रहे हो रोड के पास मैं खड़ा हूं, यानी आप भी स्टेबल हो और रोड तो पहले से ही स्टेबल है, तो दोनों चीजें स्टेबल होंगी तो बिसाइड हो सकता है। रिपीट करवा दो मैम एक बार यही दोबारा से। अरे बहुत सारा करा दिया करमपाल जी, कौन से वाला दोबारा से, मतलब बिसाइड भी नहीं, तो बहुत कुछ मैंने एक साथ में बता दिया ना लास्ट में। हाँ, इनसाइड द क्लासरूम, इन द क्लास, ठीक है। और कोई डाउट, समस्या, परेशानी बच्चों? और कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं? 58 मिनट्स हैं और एग्जैक्टली 60 मिनट पे मैं डिसअपियर हो जाऊंगी। दो मिनट आप सबके पास हैं मुझसे कुछ पूछने के लिए, कुछ कहने के लिए।
स्क्रीन पे डिस्काउंट आप सब देख सकते हो बच्चों। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं सिर्फ 1600 रुपए में, 1599 रुपए में, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इसका क्या मतलब है, 3 से 4 महीने ऑनलाइन पढ़ाई करो और उसके बाद में फिजिकली टीचर के सामने आकर उसका माथा खराब करो। 4 से 5 महीने यानी 1 साल बच्चा निकाल सकता है सिर्फ 1600 रुपए में। बच्चों इससे सस्ता और कहां। ऑल क्लियर? कुछ कोई डाउट ऐप से रिलेटेड बच्चों, कोई डाउट क्लासेस से रिलेटेड? एसएससी, एचएसएससी, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एचटेट, ये सब चीज का डिस्काउंट है, देख लिया है आपने? और काफी 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 कम पैसों में है, फटाफट से बच्चों ले लो इसमें एडमिशन। कल इसका आखिरी दिन है। आस पड़ोस में कभी किसी ने पूछा हो वेटिकन के लिए तो बता देना उसको कि दोबारा से इतना सस्ते में नहीं आएगा। ऐप का भी लिंक है आप इसी कमेंट में, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि अगर आप क्लास नहीं भी लगा रहे हो ना बच्चों, तो सिर्फ ऐप को डाउनलोड करके भी रखो, उसमें हम और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लाएंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। दीक्षा, सुपर क्लास, थैंक यू बेटा। आर्टिकल कब कराओगे? जब आप कहोगे मैं तभी करा दूंगी। प्रेपोजिशन पूरी हो जाने दो, आर्टिकल्स करा देंगे, डजंट मैटर, जो आप डिमांड करोगे वो करा दूंगी। मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं वही स्टार्ट कर देती हूँ। प्रेपोजिशन का मेरे पास काफी मैसेजेस आए आर्मी और एयरफोर्स के बच्चों के, तो इसलिए मैंने कर दिया। स्वीटी थैंक्स फॉर द पिज्जा, वीएफसी का ही है, ओके थैंक यू। बाकी वीएफसी ओपन है, अगर आपने एक आधे दिन आना हो तो कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग सब यहीं पे होते हैं, आपको स्पेशली पिज्जा खिला देंगे, कोई इशू की बात नहीं है। क्लैपिंग फॉर मी, थैंक यू दीक्षा। ओके, जो बाय करता जा रहा है लाइक और शेयर कर दे। तो मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते बच्चों, फ्राइडे, सैटरडे या बीच में कोई चेंज हुआ तो बता दिया जाएगा आप सबको। और टॉपिक अभी प्रीपोजिशन से चलेगा, कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, आपकी कोई एक्स्ट्रा डिमांड हो, इसमें इंटरेस्ट ना बन रहा हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं कोई और टॉपिक भी ले सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।